हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम प्रैक्टिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विदाउट डिले। सो वन थिंग्स लाइक इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस सम फॉर्मूला एंड लॉ ऑफ लॉगरिथम एंड आई फॉरगेट टू टेल यू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज रियली नेसेसरी फॉर लॉगरिथम। द फर्स्ट इज फॉर्मूला, आई फॉरगेटन टू रिटर्न अ फॉर्मूला। तो देर इज अ लॉग एक्स टू बेस वाई, एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इक्वल टू ए बाई बी लॉग एक्स टू वाई। ये एक फॉर्मूला था जो मैं भूल गया था लिखना। सेकेंड चीज ये है कि लॉगरिदम में जैसे बेस नहीं दिया है, लेट्स सपोज लॉग ये 10 है, तो यहाँ पे बेस नहीं दिया है, सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये बेस 10 होगा। सो लॉग 10 10, और यहाँ पे ये देखो याद होगा कि लॉग ए टू बेस ए इक्वल टू 1 होता, सो लॉग 10 10 1 हो गया। तो जब भी अगर कभी बेस ना दिया रहे लॉग में तो वी विल एज्यूम कि वो बेस 10 है। सो दिस थिंग्स यू शुड ऑल्सो नो। थर्ड थिंग्स है कि लॉग में कुछ पार्टिकुलर लॉग के वैल्यू हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉग 1 0, लॉग 2 0.3010, लॉग 3 0.471 एंड लॉग 5 0.699। ये जो चार वैल्यू है लॉग के 1 2 3 4, ये हमको पता रहना चाहिए। वैसे तो अगर एग्जाम में इसका वैल्यू का आता है यूजेस तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर दे देता है। अगर हायर वैल्यू भी आएगा जैसे लॉग 7 लॉग 9 समथिंग, लॉग 9 तो 3 का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे लॉग 7 तो इसका वैल्यू दे देगा एग्जामिनर। सो नो नीड टू वरी, बट कीप इन द फोर वैल्यू ऑफ लॉग 1 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4, तो इट विल एक्चुअली हेल्प। तो लेट्स स्टार्ट आवर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड बाई साइड आई ब्रिंग द ऑल फॉर्मूला सो दैट आई कैन टेल यू लाइक विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, सो यू विल गेट मोर कंफर्टेबिलिटी विथ दिस फॉर्मूला, बिकॉज अप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी नेसेसरी। अदरवाइज लॉग में कुछ है ही नहीं ज्यादा, कुछ अप्लीकेशन फॉर्मूला है और सॉल्व कैसे करते हैं वही देखना है, अदरवाइज लॉग में कुछ नहीं है। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। लॉग 3 log x log 8 to base 2 डिवाइडेड बाई log 6 to base 9 log 10 to base 4। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी देखो गाइज क्या है ना कि यहाँ पे चीजें हमको अभी तो, जैसे अगर मैं बिगिनर हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता लॉग का, तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग्स यू शुड डू व्हेन एवर यू स्टक इन अ लॉग क्वेश्चन, जस्ट उसको आप ब्रेक कर दो, इसको आप ब्रेक करो। ब्रेक करोगे अपने आप ऑप्शन दिखने लगेंगे, जहां ब्रेक किए ऑप्शन दिखने लगेंगे। आई एम टेलिंग यू हाउ, अदरवाइज मैंने सॉल्व किया है एंड आई एम, सो मुझे पता है कि log 8 log 8 to base 2 है, सो यहाँ पे log 2 का क्यूब भी ले सकते हैं। तो हम लोग, और यहाँ पे हमें मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 log x इक्वल टू log 2, यहाँ पे 2 का क्यूब ले सकते हैं, 8 2 का क्यूब ले सकते हैं ना, 8 log 16 by log 9। इसको हम यहाँ इस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला से, ये वाला सेम एज इट इज log 10 by log 4। ब्रेक किया, यहाँ सब कुछ चीजें दिखने लगी, जैसे log 10 है तो यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो ये 10 होगा। तो अभी मैंने बताया यहाँ प्रीवियस में log 10 10 1 होता है, सो ये हमारा 1 हो गया। तो आगे सॉल्व करते हैं, 3 log x इक्वल टू
अब यहाँ पे आते हैं ये वाले थिंग्स पे, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फिफ्थ नंबर, लॉग एम टू बेस ए पावर एन है, लॉग एम टू द पावर एन बेस ए, तो एन बाहर आ जा रहा है, सेम एज इट इज, एज इट इज यहाँ पे थ्री लॉग टू टू। गाइज ये फर्स्ट सेशन है प्रैक्टिस का, इसलिए मैं इतने बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर है इस टॉपिक में उनको समझ में आए, अदरवाइज जो पहले सॉल्व कर चुके हैं लॉग के क्वेश्चन आपको इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे मतलब सोच के ये चीजें बता रहा हूँ कि ताकि एक डम लड़का भी, लेमन डम लड़का या लड़की समझ पाए कि यहाँ क्या चीजें चल रही है। तो यहाँ पे हो गया, जैसे अब इसको देखो, यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको 4k² पे, या फिर मिनिमम में टू 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 द पावर 4 लॉग, यहाँ 9 है तो इसको हम 3² कर सकते, इनटू लॉग 10, 10 1 4 है। तो देखो इसको मिनिमम में ब्रेक करने का सेंस यह है कि यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अब सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 log x² लिखेंगे, अब log 2 2 log a, सेकंड नंबर फार्मूला c हो जाएगा 1, तो 3 log x = 3, ये वाला 1 हो गया पार्ट, तो 3 होगा। अब तो देखो यहाँ पे ये जो है log 2 to the power 4, तो ये वाला हम लगा सकते हैं, ये वाला फिफ्थ नंबर फार्मूला फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 log 2, सेम एज इट इज यहाँ पे 2 log 3 इंटू 1 by log 2, log 2 कैंसिल, ये हो गया 2। सो अब हमारा हो गया 3 log x = 3 by और 2 by log 3, ये 3 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया log x = log 3 by 2, log 3 by 2, इट मीन्स दैट log x = 1 by 2 log 3। अब देखो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब लॉग लॉग को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में 1 by 2 है, सो यहाँ से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला फिफ्थ वाला जो इधर मल्टीप्लिकेशन मेन है, तो इसको हम पावर में लेके आ सकते हैं, सॉरी हाँ पावर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x = log 3 का पावर 1 by 2। सब देखो यहाँ पे ये कंपेयर हो गया x, तो वी गॉट द वैल्यू x = 3 1 by 2, डेट इज √3। यहाँ पे कंपेयर किया हम लोगों ने log x = log 3 1 by 2, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 3 √3, तो आई वी गॉट ए वैल्यू ऑफ x √3। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कुछ समझ में ना आए ब्रेक करते जाना है, जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रेक करते जाना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आप प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो 4 to the power log 8 base 2 27 पावर log 81 27 144 + log x, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करते हैं इसका भी क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ बेस पे 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 81 है, तो 27 से हमको क्लिक होना चाहिए कि 27 इज 3 का पावर 3, 81 इज 3 का पावर 4, तो 3 3 हम लोग 3 में लाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग मेरा, सेम एज इट इज यहाँ पे 2, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ बेस पे 2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस थिंग्स को माइंड में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 to the power 2 2 cube + 27 log 3 का क्यूब और 3 का 4,
थ्री का क्यूब 27 बेस वाला, और 3 टू द पावर 4 81 इक्वल टू 144 प्लस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स है तो यहाँ बेस में 10 होगा, नहीं दिया है फिर भी। अब देखो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है 4 3 log 2 to the base 2 +27। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये मैं स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, तो यहाँ से वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 4 by 3 log 3 to base 3 इक्वल टू 144 प्लस लॉग एक्स। 10 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से ये 1 हो गया, सो 4 cube plus 27 4 by 3 ये भी 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 144 प्लस लॉग एक्स। 4 का क्यूब 64, यहाँ पे 4 by 3 है, तो यहाँ हम ये 27 को हम लाइक 3 क्यूब, 1 सेकेंड, 3 का क्यूब into 4 by 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 3 कैंसिल, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 to the power 4 81 81 64, सो ये हो गया 5 और 8 6 45। सो 145 इक्वल टू 144 प्लस log x। सो यहाँ पे ये सब इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा log x इक्वल टू 1। अब देखो log x इक्वल टू 1 है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ बेस में 10 हो गया तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, उड़ने वाला ये 6 कि x इक्वल टू, इसको ऐसे उड़ाते हुए x इक्वल टू 10 to the power 1, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। समझे कि कैसे अब फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे और कैसे ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम यू विल यू माइट बी फील दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट व्हेन यू प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइक 20 30 क्वेश्चन आपको बहुत आसान टॉपिक लगने लगेगा, और जब आप कैट के क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। और ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है लॉग के, हर एक अप्रॉक्स 99% इज फिक्स, लॉग से एक क्वेश्चन आए हर एक स्लॉट में, तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस यहाँ पे सोच के रखना था कि किसके टर्म में मैं लेके आऊँ तो मेरा ये लॉग का एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो, मतलब खत्म हो, बस वही चीजें सोचना था, बाद बाकी सॉल्व करना था। बढ़ते हैं आगे, ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो अब ये सारे लॉग लॉग बेस 9 है, 3 log base 2 है, इंटू 1 plus log 3 1 plus 2 log x टू द बेस 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू। देखो यहाँ पे हम क्या चीजें कर सकते हैं, जो मैं फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो बताया था वहां पे मैं इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस बताया था कि लाइक दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले पे कैट में 2 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो 2021 में भी आया था जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन उसी पे है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इंटेंशनली लाया कि आपको समझ में आए कि कितने इजी भी क्वेश्चन आते हैं लॉग के। तो सॉल्व करते हैं इसको, मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सब देखो यहाँ बेस पे है ये 1 by 2 है, तो मैंने क्या बोला 3 ये वाला ऐसे उड़ाते हुए लेके जाएगा, मतलब 9 का पावर 1 by 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये वाला 6 नंबर फॉर्मूला। सो 3 log 2 1 plus 1 plus log 3 1 plus 2 log 2 x ये हो, ओके इक्वल टू 9
टू दी पावर वन बाई टू। अब नाइन नाइन का पावर वन बाई टू है, इट मीन्स ये थ्री हो गया, ये थ्री हो गया। अब देखो यहाँ पे थ्री, ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बिकम वन। अब बेस पे यहाँ टू है, ये फिर ऐसे पुराते हुए, अब क्या ये एक्सप्रेशन बचेगा? ये समझ लो कि ये लॉग टू मेरा ए हो गया, ये इस एक्सप्रेशन से देखो लॉग टू मेरा ए हो गया, और ये जो पूरा टर्म है ये मेरा बी हो गया। तो यहाँ से निकालो, ये बी मतलब वन प्लस लॉग थ्री, वन प्लस टू लॉग टू एक्स इक्वल टू टू का पावर वन, दैट इज टू। देखो टू यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दिस बिकम वन। सो वन पूरा ही लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सो लॉग थ्री वन प्लस टू लॉग टू एक्स इक्वल टू वन। सेम यहाँ पे थ्री है, ये वन है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, उड़ा दो। वन प्लस टू लॉग टू एक्स इक्वल टू थ्री का पावर वन, दैट इज थ्री। थ्री थ्री का पावर वन दैट इज थ्री। सो वन सब्ट्रैक्ट कर दिए यहाँ से ये, सो यहाँ पे बचा टू। सो वी हैव हेयर टू, सो टू लॉग टू एक्स इक्वल टू टू, टू टू कैंसिल, तो वी हैव लॉग टू एक्स इक्वल टू वन। फिर उड़ा दो इसको, तो वो एक्स इक्वल टू टू का पावर वन मतलब टू। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू। ये एक्सप्रेशन का पूरा ही यूज है, सिर्फ एक फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और सेम थिंग लगाकर, सेम ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग ये कैट 21 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिस वन। सो देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, और इधर राइट हैंड साइड पे जीरो है, और यहाँ पे -2 है। तो अभी हमको क्या करना है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ तो कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक्स है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है। सो ये -2 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इससे मेरा तो काम बन जाएगा ना ये वाला एक्सप्रेशन लगाने के लिए। सो लॉग 2 3 प्लस लॉग 3 4 प्लस लॉग 4 एक्स -1 इक्वल टू 2। ये -2 इधर लेके आया। अब देखो 2 यहाँ पे 2, ये वाला अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस वन, टू टू पूरा कर। तो ये बचा मेरा एक्सप्रेशन, थ्री प्लस लॉग थ्री 4 प्लस लॉग 4 इंटू एक्स -1 2 का स्क्वायर, डेट इज 4, 4 और यहाँ 3, तो ये बच जाएगा 1। सो वी हैव नाउ लॉग बेस 3, तो 4 प्लस लॉग 4 एक्स -1 दो यहाँ पे इक्वल टू 3 का पावर 1, डेट इज 3, एंड वी हैव 4 एंड हेयर इज 3, सो -1 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 4 को इधर लेके आएंगे, तो वी हैव लॉग 4 एक्स -1 इक्वल टू -1। फिर से उड़ा देते हैं, सो वी गॉट एक्स एक्स -1 इक्वल टू 4 टू दी पावर -1, तो 4 टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/4। सो वी हैव एक्स इक्वल टू एक्स -1 इक्वल टू 1/4, सो एक्स इक्वल टू 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 5/4। वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5/4 एंड वी हैव टू फाइंड 4x, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, तो 4 इंटू 5/4
कैंसिल आउट, डेट इज 5। सो 5 इज द राइट आंसर। कितना बेसिक इजी क्वेश्चन था, बस एक एक्सप्रेस फॉर्मूले का यूज था और उस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं कैट में भी, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे किसी एक दूसरे वीडियो में पूरे कैट के क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड वन रिक्वेस्ट टू यू गाइज, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, बिकॉज आई वॉन्ट टू लॉट्स ऑफ पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम माई एफर्ट विच आई एम पुटिंग। तो लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन एंड द वी हैव एक्सप्रेशन लाइक वैल्यू ए इक्वल टू लॉग टू बेस फोर, बी इक्वल टू लॉग फोर बेस सिक्स, सी इक्वल टू लॉग सिक्स बेस एट, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी सी। तो ए बी सी और ए बी सी का हमको वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो बस सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग फोर टू इंटू लॉग सिक्स फोर इंटू लॉग सिक्स बेस एट। अभी देखो यहाँ से अब हम आगे कैसे प्रोसीड करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे करें। एक तो यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ टू का बेस फोर है तो टू का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब टू का स्क्वायर टू, सो ये वन बाई टू लॉग टू टू तो वन हो जाएगा। तो ये वन बाई टू यहाँ एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधा हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे फॉर्मूला वन से। सो ये हो जाएगा लॉग टू बाई लॉग फोर इंटू लॉग फोर बाई लॉग सिक्स, ये वाला फॉर्मूला वन इंटू लॉग सिक्स बाई लॉग एट। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, लॉग फोर लॉग फोर लॉग सिक्स लॉग सिक्स। देखो ब्रेक किया डायरेक्ट दिखने लगा मुझे, इसीलिए लॉग के क्वेश्चन जब भी हो ना अगर कुछ समझ में ना आए उसको डायरेक्ट ब्रेक करना स्टार्ट करो, अपने आप ऑप्शन कुछ ना कुछ दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। सो अब मेरा है लॉग टू बाई लॉग एट मीन्स दैट लॉग टू टू द बेस एट, ऐसे कर सकते हैं ना इसको सेम रिवर्स में, मतलब यहाँ पे था तो इसको हम ऐसे ब्रेक किया। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग बी ए बेस ए, सेम ऐसे किया। सो लॉग टू टू का पावर क्यूब, यहाँ पे ये वन हो गया, सो वन बाई थ्री लॉग टू बेस टू दिस बिकम्स वन, सो ए बी सी इक्वल टू वन बाई थ्री। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इक्वल टू वन बाई थ्री। देखो ब्रेक किया एक दो तीन चार स्टेप में क्वेश्चन खत्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कितना टाइम लगना सॉल्व करने में, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, वी विल डू कैट क्वेश्चन जहाँ पे आपको मच क्लैरिटी होगा कि लाइक कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कैट में। सो आप उस वे में अपने लॉग टॉपिक को फॉर्म कर सकते हो कि मतलब एक इंटेंशन होता है ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं लॉग वगैरह के, लेकिन वैसा कुछ नहीं है और मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टॉपिक है प्योर। सो नॉन इंजीनियर लोग थोड़ा सा डरते हैं इस टॉपिक से, तो नो नीड टू वरी स्पेशली फॉर नॉन इंजीनियर, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन एज फार एज आवर कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो एंड करते हैं वीडियो यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और कोशिश करूँगा कि लॉ के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए जाएँ। आई विल ट्राई कि 5-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें एंड देन वी विल डू द कैट एक्चुअल कैट क्वेश्चन। तो हम लोगों का 30-40 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस हो जाएगा, 30-40, सो दैट इज अ मोर देन इनफ फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो एंड करते हैं वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।